हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात फिर से करने वाले हैं कि अपराध घटित होने पर की जाने वाली कार्रवाई। ठीक है, इसके पहले हम जो लेसन हुआ था तो उसमें भी बताया था कि पंचनामा कैसे बनाते हैं, पंचनामा क्या होता है। ठीक है, साथ में हमने ये बात किया था कि पंचनामा बनाने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो यदि कहीं भी वन अपराध घटित होता है तो उसमें कार्रवाई क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कुछ चीज जो हम जब्त करते हैं संपत्ति, उसके संबंध में अलग होती है, और जो व्यक्ति वहां होता है उसके संबंध में अलग होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पंचनामा के ऊपर। ठीक है, कि पंचनामा किस प्रकार बनाते हैं और उनका क्या महत्व होता है। हर एक घटना का अलग पंचनामा होता है, जिसको हमने पंचनामा के प्रकार में बात किया था। जैसे हो गया कि पंचनामा होता क्या है, जो भी मौके पे आप साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हो तो उनके साक्ष्य इकट्ठे करने में जो कार्रवाई, लिखित कार्रवाई करते हो, वही पंचनामा है। तो पंचनामा जब आप लिखते हो तो कहाँ कहाँ लिखने की जरूरत है पंचनामा, तो ये आपने सारे देखा था। जैसे अभी हमने बात किया था नजरी नक्शा पंचनामा क्या होता है, और नजरी नक्शा एक बना के भी आपको दिखाया है कि किस प्रकार से एक नजरी नक्शा होना चाहिए। ठीक है, फिर नुकसानी का, यदि कहीं आप बीट निरीक्षण या कहीं जाते हो, कटाई देखते हो, तो नुकसानी का पंचनामा बनता है। यदि किसी को पहचान करनी है, चाहे व्यक्ति हो वस्तु, तो पहचान का पंचनामा। अपराधी की पहचान करना हो या कोई वस्तु जब्त किया हो उसकी पहचान करना। आज हम बात करने वाले हैं छठवें नंबर वाले में, कि मारे गए वन्य प्राणी की लाश का पंचनामा। मान लीजिए आपको कहीं शिकार की घटना का जानकारी मिलती है और आप मौके पे जाते हो, तो किस तरह से आप वहां पे कार्रवाई करोगे, पंचनामा किस प्रकार से उस मरे हुए प्राणी का बनाओगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप साक्ष कलेक्शन के साथ आपने पंचनामा में क्या चीजें लिखी है, आपने क्या देखा है, आपके साथ कौन कौन था, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप एक पंचनामा में किस प्रकार से लिखोगे कि मारे हुए जानवर का यदि आपको पंचनामा लिखना पड़े तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको क्रम से आप मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपको सूचना मिलती है कि आपकी किसी वन भूमि में कोई जानवर मरा है, आप मौके पे जाओगे, आपके साथ आपके जो भी रहते होंगे चौकीदार या जो भी आपके विश्वास पात्र या आपका स्टाफ होगा, साथ में आप जाओगे। फिर वहां पे आपने जैसे ही मौके पे देखा तो आप कौन सी कार्रवाई वहां पे करोगे, जो कार्रवाई आप वहां करोगे उसी को हम पंचनामा के रूप में दिखाएंगे कि पंचनामा में आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो हेडिंग आपको दिखाया था कि जो वन्य प्राणी है, ठीक है, यानी जो लाश पड़ी है वन्य प्राणी की, उसको आपने देखा तो उसका जो पंचनामा बनाया उसके हम पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वहां पे, पहला पॉइंट आएगा कि आप जहां पे खड़े हो, यानी आपका परिक्षेत्र कौन सा है, शुरुआत परिक्षेत्र कौन सा है और वन मंडल कौन सा है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपका यही आना चाहिए। फिर क्या आएगा, आप किस दिनांक को बना रहे हैं। ठीक है, तो दिनांक लिखोगे और आप समय कितने बजे बना रहे हो, तो दो चीजें हो गई। तीसरा है कि जो वन्य प्राणी है उसकी प्रजाति कौन सी है। ठीक है, प्रजाति कौन सी है, यहाँ पे प्रजाति लिखोगे, और उसका यदि कोई लोकल नाम हो तो वो भी लिखोगे, यदि उसका लोकल नाम है उस प्रजाति का तो उसको भी आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, अब आपने जाके देखा तो कई बार आपने जैसे लाश देखी तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि अभी मरा है या 2 दिन या 10 दिन या 1 सप्ताह पुराने, क्यों, यदि उसमें बदबू होगी तो आप समझ जाओगे कि कितने दिन पहले का। तो एक जो आप वहां मौके पे गए और आपको जो देख के लगा, तो आप उसमें लिखोगे मरने का समय, मरने का समय अंदाज से आप लिख सकते हो कि क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो जानकारी है नहीं, आपको सूचना मिली कि वहां पे शिकार हुआ है, पड़ा हुआ है, आप आए हो, तो उसको देख के आप बताओगे कि एक तो यहाँ पे लिखोगे मरने का समय क्या हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आप क्या बताओगे, अब आपके साथ कुछ पंच है, मतलब जो आपके साथ गए हैं, आपके चौकीदार हो सकते हैं, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके विश्वास पात्र लोग हो सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पे नाम दिए दे रहा आपके पंच। तो यहाँ पे आप करोगे पंच पंच गणों के नाम और पूरा पता। ठीक है, ये आना चाहिए, जितने भी आपके साथ पंच गए हैं उनका पूरा नाम आना चाहिए। मान लीजिए आपके साथ कितने लोग गए हैं, 4 लोग गए हैं, तो 1 2 3 4, चारों के नाम एवं पूरा पता ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे,
आपने देखो इतनी चीजें, जहां गए हो उस पर क्षेत्र का नाम, बीट तो चाहो तो बीट भी अभी डाल सकते हो तो आगे कर देना, वो अभ्यारण्य है, वन मंडल है, जो भी उसका नाम, किस दिनांक को गए, समय कितने बजे, प्रजाति कौन सी है, लोकल नाम क्या, मरने का समय आपके अनुसार क्या है, और जो आपके साथ पंचगण है उनके सबके नाम आ गए, ठीक है, और उनका पता आ गया। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि जहां पे मृत पड़ा है वो जो आपका जीव है वन्य प्राणी, तो उस जगह पर या घटना की जगह पर अन्य साक्ष आप देखोगे, ठीक है, आपको और क्या क्या मिल रहा है, देखो कहीं पे खून होगा, ठीक है, या कहीं पे लड़ने के खरोंच होगी, ठीक है, इस तरह से आप और साक्ष देखोगे, और आपको क्या मिल सकता है साक्ष कलेक्शन में, वो सारी चीजें आप देखोगे, कोई सामग्री मिल सकती है आपको वहां पे, ठीक है, उसका जिक्र करोगे, कोई धारदार हथियार भी मिल सकता है तो उसको आप लिखोगे, या कई बार विस्फोटक वगैरह भी पड़ा मिल जाता है, ठीक है, या जो भी आपको चीजें वहां पे पड़ी मिल, कोई कपड़ा वगैरह, जो अपराधी मान लीजिए शिकार करने के लिए जब आते हैं तो बहुत देर तक वहां रहते हैं, पूरी रात भी रहना पड़ता है, तो अपने साथ कपड़े वपड़े भी लेके आते हैं, यदि ठंड वगैरह का सीजन हुआ तो, शिकार हो गया फिर उस, कई बार उनको डर हो जाता है कि कोई आ रहा है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, तो जो भी चीजें वो सामग्री, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कपड़ा हो, या खाने की चीज हो, या वहां से भागने की चीज हो, हाँ साथ में आप साइन देखोगे, जैसे पग मार्ग वगैरह है उस जानवर की कि नहीं है, किस दिशा से वो जानवर आया है, ठीक है, जो भी आपको वहां पे साइन देखेंगे सबका जिक्र आप अपने पंचनामों में करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु का कारण ये कौन बताएंगे, आप और आपके साथ जो पंचगण हैं उनके अनुसार, पंच गणों के अनुसार, क्योंकि दस्तखत उन्हें भी करना है, ठीक है, पंचगणों के अनुसार इसमें क्या मृत्यु की वजह हो सकती है, किस वजह से मरा है, तो वो भी जिक्र करेंगे, यदि किसी ने मारा होगा तो वो भी समझ में आ जाता है कि मारा है, काहे से मारा है, धारदार हथियार से मारा है, गोली से मारा है, या करंट लगा के मारा है, फंदे मिलेंगे उधर, है ना, जैसे हम सामग्री की बात कर रहे हैं तो फंदे मिलेंगे, या GI तार मिलेगा नंगा, कहीं पे लग्गी लगाई होगी, खूंटी लगाई होगी, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखनी है, तो उसी के आधार पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज से मरा है, तो मृत्यु का कारण पंचगणों के अनुसार लिखना है क्योंकि उनके दस्तखत होने हैं। उसके बाद घटना स्थल का पूर्ण विवरण जहां पे देखा है आप लोगों ने, ठीक है, जो लेके गए हो और आप लोगों को घटना स्थल पे जैसे ही पहुंचे वहां का पूरा क्या पूर्ण विवरण, कक्ष क्रमांक, ठीक है, बीट, उस कक्ष क्रमांक में किस जगह पे है, मुनारे के पास है, कोई नाला है, या आपकी चौकी से कितनी दूरी पे, इस तरह का पूरा घटना का विवरण दोगे, उसमें लिखोगे कि इस जगह पे हमारे इस कक्ष क्रमांक के भी नाले के पास है, या कूप के पास है, इस प्लांटेशन के पास है, या हमारी चौकी से इतने मीटर दूरी पे, जो भी स्थिति आपको वहां पे है वो सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, घटना स्थल का पूर्ण विवरण हो गया, फिर लिखना है 100 की स्थिति, जो आपको 100 मिला है 100 की स्थिति कैसी है, इसमें पूरी उसका आ जाएगा कि बहुत पुराना है, नया है, ठीक है, पुराना नया मतलब ताजा, ठीक है, कितना समय पुराना हो सकता है वो भी अंदाज से आपको लिखना, क्षतिग्रस्त है या नहीं, आपको साथ में बताना उसके पूरे अंग हैं या कोई अंग अंग गायब है, जैसे उसके दांत, ठीक है, नाखून, ठीक है, साथ में उसकी स्थिति देखना, जैसे जबड़ा वगैरह है उसके क्षतिग्रस्त तो नहीं है, ठीक है, कहाँ कहाँ घायल है, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए, जैसे आपने देखा कि उसमें सड़न, ठीक है, अकड़न, ये सारी चीजें देखोगे। इसके बाद आप देखोगे उसमें घाव, घाव है तो कितना गहरा है, क्योंकि कई बार जैसे एक घटना भी हुई थी, बाघ और तेंदुआ, इनकी आपसी द्वंद हुआ, ठीक है, इनका द्वंद हुआ तो बाघ ने पंजे मारे, जब पंजे मारे तो उसके शरीर में गहराई तक चले जाते हैं, तो एक छोटी सी आप लकड़ी लोगो उसको उसमें डालोगे कि कितनी गहराई तक है, कितने सेंटीमीटर या इंच तक उसके अंदर घाव हो गए, ये सारी चीज आप उसमें लिखोगे, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप बताओगे वहां पे कि उसका आंख, कान, नाक और मुंह, इनकी पूरी स्थिति बताओगे किस स्थिति में है,
ठीक है, आँख कान नाक मुंह के बारे में बताओगे। आप जितनी भी चोटें होंगी, जहां जहां भी चोटें होंगी, उनको नापोगे और उनके बारे में लिखोगे कि कहाँ कितनी लंबी, कितनी बड़ी, कितनी गहरी चोट आपको मिली है। इसके अलावा आप जो भी वो जानवर है, ठीक है, जानवर की पूरी लंबाई, गोलाई, ठीक है, सबका माप लोगे, तब कि एक अंदाजा लगे कि कितना बड़ा जानवर है, नया है, मतलब बच्चा था कि बहुत पुराना था, तो उसके पूरी पैमाइश करनी है, लंबाई, गोलाई, ठीक है। इसके अलावा आपको उसमें मृत्यु के कारण प्रकार जो सारी चीजें हो गई, अब उसमें सबके हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके किसके हस्ताक्षर होंगे उसमें? उसमें हस्ताक्षर होंगे मृत्यु का कारण प्रकार जो भी आपकी राय से है, आपने बताया, सबने उसके अनुसार आपने लिखा कि ये इस वजह से हुआ है, फिर आप लास्ट में हस्ताक्षर होंगे गवाह के और हस्ताक्षर होंगे अधिकारी के, यानी पंचनामा बनाने वाला, पंचनामा बनाने वाले के, ये ध्यान रखना है। अब जितने भी आपके गवाह हैं सब आप अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ पे अधिकारी नाम, हस्ताक्षर और उसका पद, इस तरह से आपका ये पंचनामा पूरा होगा, ठीक है। यानी जो भी वहां की सारी स्थिति है, जो आपको वहां पे चीजें मिली हैं, उनके बारे में एक एक चीज बताना है। देखिए, यदि मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो समरी इसकी यही है फाइनल में, कि जो वहां पे मिला है, चाहे पशु से संबंधित हो या उसको मारने में उपयोग करने से संबंधित हो, हर चीज का जिक्र होना चाहिए, और पशु जो मिला है आपको उसकी स्थिति कैसी है, पूरा शरीर है, आधा है, कटा है, नाखून है, दांत है, सब है, नहीं है, लंबाई चौड़ाई उसकी, गुलाई, ठीक, स्थिति पूरी उसकी होनी चाहिए, नया है, पुराना है, ताजा है, बॉडी बॉडी उसकी सड़ गई है, अकड़ी हुई है, जो भी है सब कुछ हो, और जो भी सत्यापन आप कर रहे हो, जो आप लोग हो, जो आपके साथ गवाही है कि किस वजह से मरा है, वो जो देख के समझ है वो लिखा हो, फिर गवाहियों के नाम, पता, हस्ताक्षर, सब कुछ हो। तो इस तरह से आपको 100 का पंचनामा बनाना है, यदि कहीं आपको सूचित मिलता है कि किसी जगह शिकार हुआ है, ठीक है, और शिकार की घटना पे आप जाके इतनी कार्रवाई करोगे, और उसके बाद आप इस घटना की कार्रवाई को जब जमा करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे।